सभी आइस स्पाइस खेलने में लगे। बच्चे आइस स्पाइस का मतलब जिसमें खेलने वाले चोर को कभी कभार अरे मिलेगा सबको इसके लिए अंतराय को गाय करने का भाई इधर ही देखिए आज सार्थक चित्रम के मुहूर्त जिस फिल्म का नाम है धप्पा और जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिद्धार्थ भागर हैं, आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई है। सिद्धार्थ इज़ ए वेरी पैशनेट पर्सन और ये जो भी इसने सीखा है अपनी माँ अर्चना नागर जी से सीखा है, जो हमारी भी सीनियर्स हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी ये मूवी आज बनाने जा रहे हैं उसके बारे में तो ज़्यादा सिद्धार्थ ही बताएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि विद हिज पैशन विद हिज जीन आज जो ये धप्पा को शुरू करने जा रहे हैं, आई विल प्रे टू द ऑलमाइटी, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हिज फिल्म शुड बी ए सुपर हिट, बिकॉज कभी कभी ऐसी कौड़ी आती है, ऐसा आइडिया आता है जो धप्पा का ग्रेट आइडिया है, मुझे मालूम है वो ग्रेट आइडिया जो है ना बड़ बड़ों को चित्त कर देता है। सो विद माई हम्बलनेस आई कैन से सिद्धार्थ डू योर बेस्ट, थैंक यू, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू योर बेस्ट। सो व्हाई डोंट यू से फ्यू लाइंस। आइए अयूब जी, आइए। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया है उनकी ये पिक्चर में भाग लेने का। सबसे अच्छी बात यह है कि सिद्धार्थ भाई और मैं पहले काम कर चुके हैं, हमने साथ में शुरू किया था और जब सिद्धार्थ भाई ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे लगा कि कभी कभार कुछ जो सोच होती है जो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई होती है वो देखने को बहुत कम मिलती है और सिद्धार्थ भाई की जो सोच है वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई है। हमारे जो ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इतने वेस्टर्नाइज होते हैं कि उसके साथ आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनका हर एक कैरेक्टर हर एक मोमेंट इन द फिल्म वो वाकई हमारी सभ्यता हमारे हिंदुस्तानीपन से इतना जुड़ा हुआ है कि इट्स नॉट सिर्फ मेरा ही कैरेक्टर नहीं बल्कि इस पिक्चर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं वाकई काबिल तारीफ है। और मैं ये भी इनका ये श्रेष्ठ है कि जो इस पे साथ में यंग एक जो माफिया बनता है बाद में और कैसे कैसे वो हालात के चक्र में फंसता है, श्रेष्ठ कर रहे हैं। मुझे लाइफ में फर्स्ट ब्रेक सन ने दिया था और बहुत हिट सीरियल था और अगेन मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है एक फिल्म के अंदर और आज तक सर ने जितने भी सीरियल किए हैं यानी कि पास्ट में और जो भी अभी तक सब जो भी काम किया है सब बहुत काबिले तारीफ लग रहा है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, सब जानते हैं जो ऑडियंस जानती है और मुझे इस बात का यकीन है कि सर बहुत मेहनत से हम सब लोग मिलके इस फिल्म को बना रहे हैं। ये करेंगे मजा हम लूटेंगे। मेहनत से हम इस फिल्म को बना रहे सारे और इस बात का पूरा यकीन है कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। देखिए एक्टिंग डेफिनेटली जो टीवी के अंदर काम करते हैं जो लोग जो करते हैं एक्टर तो वही होते हैं जो कि फिल्म के एक्टर भी उसमें काम करते हैं, बस ये होता है कि कुछ चीज़ें उसके अंदर अलग हो जाती है, बाकी मेहनत वहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, दोनों जगह पर मेहनत होती है। और एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो इनके साथ मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ऐसा डिफरेंट वो नहीं होगा, हमेशा मुझे मालूम है कि जो मज़ा मुझे इनके साथ काम करके पहले आया डेफिनेटली आके जो हम करने जा रहे हैं फिल्म उसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू।